युवा कांग्रेस द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केवल राम चौराहे पर फल और सब्जी का ठेला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी को देश की पनौती मानकर केक काटा गया। हम भारत के अंदर जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है, वहीं हम देश में युवाओं के साथ छल करने वाले नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। जहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, वहीं पर लगभग कोरोना काल के अंदर 13 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर भी जहाँ 33 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, पंजीयन है बेरोजगार रोजगार के लिए, वहाँ सिर्फ मात्र 16,000 लोगों को नौकरी दी गई है। हमने कहीं पर पकौड़े तलकर, कहीं पर बीन बजाकर भैंस के आगे, कहीं पर भीख मांगकर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है, जिससे इस देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको हम जो बहरी सरकार के रूप में समझ में आने लगी है युवाओं को कि वो हमारे साथ ठगी करिए, एक बहरी सरकार को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी सरकार को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये खंडवा ही सहित पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये आंदोलन युवा कांग्रेस आज कर रही है। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।